Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial. आज next video यानी आज का जो क्लास है वो लास्ट क्लास है. उम्मीद करते हैं आप लोग जितना भी क्लास लिए इंजॉय किए होंगे. और आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन. आज का पहला क्वेश्चन 126 नंबर सगीर अहमद का भी हम लोग लाभ हानि खत्म कर दिए. सोच लीजिए 126 नंबर में क्या बोला जी, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य परसेंट लाभ. सीधा जब दिए रहे ना, कुछ नहीं ऑप्शन ले लीजिए, सीधे बाय ऑप्शन. ठीक है, बाय ऑप्शन. बाय ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, हम 25 ले लेंगे तो 25 गुने 125 लगता है कभी भी आएगा. 25 गुने 125 कभी आएगा, 39 रुपया. नया खत्म, पहला ऑप्शन खत्म. दूसरा ये दूसरा ले तो 30 गुना 130, ठीक है, सौ कितना 39. आंसर आ गया 30 रुपया. जितना क्रय मूल्य उतना ही परसेंट लाभ सीधे ऑप्शन से. ठीक है, खाली ऑप्शन चुनना है कि जिसमें विक्रय मूल्य आ जाए. उम्मीद करते हैं 127 तो एकदम सूत्र बनेगा एकदम फटाक. या तो सूत्र होता है पता है ना, सूत्र क्या होता है जी, रूट अंडर 50 माइनस 50 माइनस क्या होता है सूत्र का, सूत्र में क्या होता है, सूत्र इसका होता है. छोड़िए, सूत्र क्या मतलब है कि नहीं, सूत्र से कोई मतलब है, एकदम बना सकते हैं, सीख गए तो. लेकिन सूत्र होता है इसका, दूसरा तरीका भी सिखाइए देते हैं. 126 कैसे क्रय मूल्य अगर x है तो 100 प्लस x बटे 100 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए. 39 रुपया, ठीक. अब हो जाएगा तो आपका कितना जी, x स्क्वायर हो गया प्लस 100x हो जाएगा और माइनस 3900 हो जाएगा बराबर जीरो. गुणनखंड कीजिएगा भाई तो हो जाएगा एक तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस 30x और प्लस 130x और माइनस 3900 बराबर जीरो. तो एक्स एक्स माइनस 30 और ये कुछ हो जाएगा प्लस में जाएगा, कोई मतलब नहीं. एक्स माइनस 30 बराबर जीरो, एक्स का मान कितना हो जाएगा 30. तो इतना लंबा थोड़ी नहीं करना है कि नहीं, हम लोग को सीखना स्पीड. स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी में है. जिसका स्पीड नहीं है, बेसिक सीख करके और स्पीड में जाना इतना आसान नहीं है. ठीक है, तो चलिए 126 में कंप्लीट हो गया. 127 में आते हैं. 127 भी उसी तरह का है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना पाओगे. ठीक है, कितना आ जाएगा, 50 में 25 127 में होमवर्क 128. अब देखते हैं 128 बोलता है एक वस्तु को 270 रुपए बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि 10% बेचने पर लाभ होता है. बेचने पर लाभ होता है तो चलिए देखते हैं. तो कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा बोलिए. बनाइएगा कैसे, कैसे बनाइएगा भैया. 270 रुपया हम बेचने पर उतना ही हानि होती है, उतना ही हानि होती है ना. 270 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया सीपी बराबर बराबर जितना कि 10% लाभ पर बेचने से, 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है. जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, जितना कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है. क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य कितना माने है, कुछ है माना हुआ. क्रय मूल्य का 10% लाभ. बोलिए बोलिए कैसे करना है जी. क्रय मूल्य इस तरह नहीं बनाएंगे हम लोग. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं. 128 में बोल रहा है सीपी कितना मान लो, वो मान लो सीपी बराबर एक्स रुपया. तो हमारा हानि कितना हो जाएगा जी, हानि बराबर जानते हैं हम लोग सीपी माइनस एसपी.
तो हानि कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, यानी हमारा हो जाएगा CPIX माइनस 270 क्या हो गया हानि, और उतना ही लाभ होता है। तो इसका मतलब x का 10% लाभ होता है, यही बोला लाभ x का 10% कितना हो जाएगा x बटे 10। तो भैया इधर कितना हो जाएगा 9x बटे 10 बराबर 270, तो x बराबर कितना हो जाएगा 300। पहले बोले थे कि बी ऑप्शन से इसे हो जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में छंट जा रहा था। कैसे ऑप्शन छंट रहा था पता है कैसे, पूछो कैसे ऑप्शन इसलिए छंट रहा था क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन देख रहे 90 रुपए की तो होबे नहीं करता, क्योंकि 270 पर विक्रय मूल्य दे दिया तो हानि होगा तो ऑटोमेटिक 270 से ज्यादा ही होगा, तो 110 तो ऐसे छट गया। देखो 363 जा रहा था 300 जा रहा था, 363 उतना तो नहीं जाएगा ऐसे भी पता चल रहा था। समझे माया जी, मामा भैया जी समझ में आ गया, बोला था हानि जितना हानि होता है उतना ही लाभ होता है 10% बेचने पर, इसका 10% जो लाभ हुआ वही लाभ के बराबर हानि है। ठीक चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 में क्या कहा, एक वस्तु बेचने पर क्रय मूल्य के 4 बराबर लाभ होता है यदि वह 375 में बेचा जाता है। क्रय मूल्य का देखिए क्रय मूल्य एक्स है और उसी के क्रय मूल्य का 4 क्या होता है लाभ होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना दे दिया 375 कितना हो गया, तो हो गया 5x/4 बराबर 375, 5 से गया तो 5 से 35 अच्छा 25 कितना हो गया जी 300। चलिए नेक्स्ट 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 यहाँ एक ने क्वेश्चन छूट गया है, यदि वह 375 रुपए में बेचा जाता है होना चाहिए ठीक है तब ये सही काम करता है। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, अभी बनाई बनाई फटाफट बनाई, कहाँ तक पहुंच गए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, बैठिए ना बैठिए, यहाँ बैठने का दिन है आप लोग का, रोज बोलते हैं आप लोग को रोज यही बताओ है 130 नंबर, अभी पहले कुछ सक्सेस कीजिए उसके बाद फिर बैठते रहिए। 130 नंबर में किसी वस्तु का विक्रम विक्रय मूल्य कितना गुना है, इतना सिंपल जो विक्रम SP जो है CP का कितना है जी 8/5 है, तो SP और CP का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, 8/5 कितना फायदा है 3.5 में 100 पे कितना जाना है ठीक है 60% लाभ बताओ। इससे ज्यादा फुलटस और क्वेश्चन होता है क्या जी, 131 तो बना ही लीजिएगा आराम से उसी तरह क्या बना भैया, तो बना निर्मल भैया बना, तो तक बैठते हैं हम तब तक। चलो 131 नंबर घर में बनाना है सबको, बामम भैया इसे कब बन गया 132 भी बन गया, यहाँ पे HW लिख दिए ठीक है। 133 में देखते हैं क्या कर, एक चावल जो है एक चावल व्यापारी कितना परसेंट कम तोलता है जी, यानी 20% कम का मतलब हो गया 80 और ये 100 इस तरह जा रहा है कि नहीं, ये CP जा रहा है ये SP कर रहा है और दूसरा में क्या बोला 10% अधिक विक्रय मूल्य बताओ दी 100 टका ही खरीद रहा है और 110 टका में बेच रहा है, अटेगा कुछ क्या क्या को सुना कटेगा गया मामा, ये को सुना गया मामा 8 टका में खरीद रहा है 11 टका बेच रहा है कटेगा पैदा 3/8 ठीक है 4 × 8 = 4 37.5% का लाभ देखो थका के निकला देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीख किया है ये वाला, हाँ हमको जानते थे एक दिन आएगा ही लगता था इसलिए इसको सीख उस दिन 4% कम में तोलता है वाला जो फंसे था हानि वाला में, आप फंसेंगे कभी उसे सवाल उसको उस विधि से बता दे इस विधि से इस विधि से बता दे इस विधि से भी वाला पढ़ पड़ता क्या छोड़ो अब बना लिए तो अगले दिन बता देंगे कभी ठीक है। समझ में आ गया था ये वाला समझ में सबको आ गया था ना yes. सच्चे में ना अधिक काम जितना करेगा लाभ कमाएगा तो इसमें आ जाएगा समझे कि ना ऊपर में तोल वाला निचुआ में लाभ वाला करना या हानि वाला करना सब आएगा तो मेरे को है उस तरह का अभी चेक करिए देते हैं काम तो लेना है ना उधर 4% हानि वाला निकालो तो अभी तुरंत न्यूज सर सर क्या नंबर है बोलना बोलो मेरे को बताइए देते बीच में नहीं उस दिन 4% हानि पर बेचता है क्या क्वेश्चन है
लेकिन इतना की जगह 810 से तोलता है ना, क्या था खोज रखो तब तक हम बाद में बनाते हैं, ठीक है। तो कितना नंबर जी, 134 हो जाए। टीवी के मूल्य में 30% वृद्धि हो गई है, उसके संख्या में 20%। हाँ तो ये सब क्या क्वेश्चन आप पूछा है, पहले 100 × 100 था, ठीक, पहले कितना वृद्धि हुआ फिर कितना कमी हो गया, कितना हो गया 4% का वृद्धि हो जाएगा, 4% वृद्धि, क्या लगा बताओ, 5000 में हो ना, दिखा देते हैं, दिखा दे, समझ में आएगा वृद्धि मतलब लाभ, ठीक है। अभी दिखाते हैं अरे राहुल भैया, अभी दिखाते हैं, अभी खतरा बना देंगे इसको, इस हिसाब से भी बना सकते हो, बोलो कैसे, पहले 30% वृद्धि, अब फिर करना 20 का कमी और प्लस माइनस, माइनस 30 × 20 और बटे 100, कितना 10 में गया 6, कितना 4% लाभ गया, ये M2 था। 134 भी खत्म, 135 बनाने से पहले कितना वाला 95, बोलो इधर, व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेच 196 में बेच रहा है, ठीक, लेकिन सामान लेकिन वह इस किलोग्राम का इस्तेमाल 840 ग्राम करता है 1000 के जगह, देखो सुना दो सुना गया मामा घर, देखो सुना यहाँ गया मामा घर, तो गया कितना रेशियो, 1284 1296 कितना का फायदा, 1000 का फायदा 7 में गुना 100 14 पूर्णांक 2 के साथ, देखो कितना फास्ट, अरे कहाँ जाएगा जी, सिक्के आते हैं कभी कभी हम उस दिन हम लोग जो बना रहे थे इससे बढ़िया यही बोला एकदम फास्ट था, लिख लीजिए 95 नंबर 20 इस तरह का, ठीक है। मतलब ये देखो इससे क्या होगा कि लाभ हानि सब में बच जाए, लाभ दिया रहेगा तो यहाँ पे लाभ लिखना है उस तरह का, हानि है तो हानि दिया हुआ है, यहाँ पे कम तोलने वाला इधर लिखिएगा, इधर ज्यादा तोलेगा जितना पर है, ठीक है, बनेगा कि दावा है आप भयान बना, बाकी तो सुना तो ये चुटकी मदद है कि नहीं। अच्छा चलो यार हम लोग फिर अब पहुंच गए 135 नंबर में, और ये सब क्वेश्चन जो है ना लिख लिख के अच्छा से रखिएगा, अधिक कम ज्यादा लाभ हानि सब पूछेगा, ठीक है, तो जो टफ क्वेश्चन है उसको बढ़िया से लिख के रखना है, ठीक, चलिए, और इसको हम शॉर्ट वीडियो में बना देंगे एकदम, अभी सब सोच के रखे हैं, देखो ताजा फल भी हम लिख के रखे हैं, खाली आज बनाते हैं, अब बोर्ड भी खरीद लेंगे आजकल, अंगूर लगा लो फिर दो कम सेकंडों में इसी बना देते हैं, फुर, ठीक है। चलो 135 नंबर देखते हैं, 28 रुपया में कितना केजी भाव से आम खरीदा जी, 3 केजी, अरे 50 रुपए में कितना केजी, 5 केजी, और कतल लाभ कमाना चाहता है, 102 रुपए, कितना आम बेचेगा, क्या है जी, 3 केजी कितना आम खरीदा है, 5 केजी के भाव से बेच दो, कितना 50 रुपया ना, लेकिन आप खरीदा कितना ये पहले तो देख लें, ये देख लें पहले कितना खरीदा, कितना खरीदा है सोच लीजिए, 3 5 कितना 15 15, ठीक है, तो कितना हो गया 5 × 21 = 105, टी कितना 5 × 150 टोटल कितना हो गया, सीपी 255 रुपया रहने दीजिए, आप 30 केजी यार किस हिसाब से बेचा है जी, 5 केजी के भाव से बेच दिया, 1 केजी का दाम 10 रुपए, अरे गड़बड़ हो गया, ये बेचने वाला भी था जी, ये बेचने वाला था जी, कितना फायदा हुआ, 45 फायदा हुआ जब 15 केजी माने, 45 रुपया जब 15 केजी तो कितने का लाभ कमाना है, 103 टका का लाभ कमाना है भैया, 15 × 45 = 102, यहीं से न कट गया था, 3 × 9 = 34 केजी, मिनटों का काम सेकंडों में कर दिया, चलिए बाबू आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए जी, बढ़ते रहिए।
136 में पहुंच गए हम लोग। 136 में क्या कहा, रगड़िए पहले। ए जो वस्तु जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 100 रुपया की होती है। अच्छा अच्छा, तभी जो अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 345 रुपये होती है। तो एक दैनिक लाभ भी के तुलना में कितना है, क्या है ये क्वेश्चन है। पूछा है कि रुपया में हुआ है, रुपये में है ना। तो ये जो अपने वस्तु 5% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री बिक्री 100 रुपया है, तथा बी जो अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 345 रुपये, गड़बड़ में है। इतना ज्यादा अंतर कैसे हो जाएगा। तो बाबू दैनिक बिक्री कितना है, 100 बिक्री है, बिक्री बिक्री मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बोले बताए, 100/105 होगा ना। बोलिए अकेश 100/105 भी से 2000 टका इसको सीटी पड़ा, फायदा कितना हो गया, 100 लाभ कितना, लाभ हो गया बाबू 100। ठीक है, तो आप 100 रुपये कोई दिक्कत, लेकिन इसका कितना हो गया है, 100 में निकाल देते जिसे बोले 100 में पाँच निकालते हैं, 115% कितना, ये ए का है, बी का निकालते सीधे 115 कितना 345, तो 15% निकालना है तो कितना आ जाएगा, 345/115 बोले 45 हो गया है, 3 हो गया, 145 कितने बेसी है जी, 55 टका बेसी है। क्या लगा, मिनटों का काम हम लोग सेकेंड में कर देते हैं नुनू। 137 नंबर देखते हैं जी, क्या बोला इसके अंदर में। 137 में बोलता कुछ संतरे हैं, एक्स संतरा है जी 285/2.85 रुपया में मोल लिया जी, 2.85 रुपया मोल लिया पूरे खरीद ना जी। आप उसमें कुछ संतरे, कुछ संतरे मतलब 1.52 में कुछ संतरे, कुछ संतरे मतलब क्या, कुछ संतरे क्या, वही तो पता करना है। पहले ये सब कटेगा कुछ क्या, इससे कुछ ऐसा है जो 2.85, अरे 1.52 में कुछ रेस्ट क्यों बन रहा है, आज 14/8 में 5 × 5=25, 5×7=35, 19 से कटेगा। हाँ बोले ना कटे, कुछ तो रेस्ट क्यों बन रहा है। ठीक है पॉइंट गया, 19 × 5=95, 19 × 8 यानी 7 आंसर होना चाहिए। देखो तो आज 7 आंसर है। देखिए तो चलिए, हंसना बहुत जरूरी है, इसको इसका कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए 2.85 × 1.52 में 15 और 8 का रेशियो है, तो 15 वस्तु सोच लीजिए इधर 8 वस्तु, तो कितना वस्तु अब बचा है, तो 7 वस्तु आंसर हो गया। बताइए क्या दिक्कत लगा, कम से कम 7 वस्तु होना चाहिए। आगे बढ़िए 138 में लंबा चौड़ा क्वेश्चन खाली दिखता है। एक बार ही कुछ फर्नीचर की सामग्री आप खरीद कर उसे 8 रुपये पर दर के बेच, प्रति 8 रुपये की दर से बेच देता है, जिस कारण उसे 100 रुपये की हानि होती है। यदि उसे प्रति 10 रुपये के भाव से बेचता तो 2 रुपये का लाभ होता। अरे भैया, अरे भैया, ठीक है भैया, अरे भैया, ए भैया, अरे भैया बनेगा कि नहीं, बाकी इतनी सामग्रियां खरीदा था, अरे कर देंगे टेंशन मत लो। ए भैया क्या करें,
क्या कुछ तो बोल दो भैया। x x वस्तु 8 रुपए प्रति वस्तु है ना जी, x वस्तु 8 रुपया के दर से अगर वो खरीदता है बेच देता है बेचा ना 100 रुपया हानि कर देता है, 100 रुपया इसमें क्या कर देगा, 100 रुपया अगर जोड़ देगा तो सीपी निकल गया ना जी। बराबर वही वस्तु है, एक्स वस्तु को कितना में 10 रुपया 10% भाव से बेच देता है, लाभ हो जाता है तो 200 घटा दीजिए, ये भी क्या हो गया, अरे 18 इधर हो गया ना जी, ना 2x हो गया, 2x बराबर 300 कितना वस्तु, अरे मिनटों का काम देखे इतनी खुशी। 139 नंबर देखते हैं, आराम से बना देंगे अभी 139। क्या निर्मल बम बम बनाइए वाला 139 वाला, 3 साड़ी खरीदा है ना जी और छूट लिया है कितना, तो 3000 हो गया न्यूनतम मूल्य, 3000 का कितना छूट लिया 15% यानी 8500 ना जी, कितना आया था ये 139 कितना आया था जी, कट करके सुनना, 5 × 15 हाथ में 1 × 8 = 24 = 2550। अब एक साड़ी को कितना में जी, एक साड़ी को 20% लाभ पर 120 तो 1200 रुपया और दूसरा साड़ी जो है 15% 1000 × 115 बटे कितना 1150 कितना हो गया 2350 होगा, 2350 कहाँ 297 आ रहा है, 2500 नहीं होगा सर, दुकान है 1700 होगा टोटल 850 1000 मान लीजिए तीनों साड़ी का था ये जब तीनों का नहीं सर बढ़ते तो 20% 15% छूट कर दो 850 खरीदा तो 850 तो 1700 तू को खरीदा आज छूटे को कीजिए 20% लाभ है होगा तो होगा। एक मिनट क्या बोला फिर से, तो 1000 का 85% हाँ अच्छा 1000 का 85% कितना हुआ 850 करके खरीदा अच्छा एक को मतलब 850 + 850 तीन को खरीदा हाँ तो कितना हो गया टोटल 1700 तू को होगा दूर निकालना दूर कितना होगा 1700 ही हाँ ये कितना हो गया अरे वो 120 तो कितना होगा 1000 का कहाँ से 850 से ही 120% लाभ हो गया अच्छा 850 में खरीदा है 850 ही होगा 850 का इतना तो कितना हो गया सुना कटा 12×5 60 6 × 6 = 10 20 आई कितना हो गया देखो सुना कटा तो जाएगा 85 से गुना करो कटा 5 × 10 17 × 5 = 85 17 × 2 = 19 1900 यानी कितना हो जाएगा 2 × 18 214 2×10 जोड़ के घटा लेना आंसर आएगा। अरे तरीके सबके साथ पुत्र जी सॉल्व कर देता सब क्वेश्चन में फटाफट एकदम ही लोग हैं निकल गया सेलवनी तो सलाह निकल गया चिमनी 140 नंबर बोल रहा है अशोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौना खरीद कर उसे अंकित मूल्य पर बेचता है और एक खिलौना का अंकित मूल्य 40 रुपया है तो उसे कुल 240 रुपया का बचत होती है तो बताइए कितना खिलौना खरीदा था 40% का है जी एक खिलौना ना अरे बोलिए तो कभी आप 20% कमीशन होता 80 कितना 32% लिए जब एक खिलौना 8% का बचत हुआ ना जी 8% बचत हुआ जब एक खिलौना लिए कितना का 240 कितना हो गया 30 खिलौना ठीक है कोई दिक्कत है ये तो उल्टा से था का इतना लंबा दिखा था चलो अब कोई क्वेश्चन में है नहीं दम बाजीराव सिंह 141 देखते हैं
एक व्यापारी ने घड़ी था एक दीवार घड़ी कितना कितना में खरीदा? 390 दोनों मिला करके। हाँ सर। क्या अलग अलग है? नहीं, कन्फर्म है? लॉक कर दें? खरीदने दोस्त, ठीक है। एक को कितना में बेचा? 10% लाभ पर। पहले 100 था, 10% लाभ मतलब 110 पे बेचा, ठीक है। 10,000 आगे बढ़ी। दूसरा दीवार घड़ी बोली 15% लाभ पर। 15% लाभ पर, मतलब 100 और 115 15 ये 20 28 ना? यस सर। अच्छा कितना हो गया? 20 10 और 11 23 लोग बोलते हैं को देते हैं। कितना लाभ हुआ? चार का लाभ हुआ जब हम लोग कितना क्या क्या किए हैं? लाभ दिया हुआ है सर, फुल लाभ। हाँ घड़ी और दीवार घड़ी का मूल्य का अंतर बता। अंतर? अच्छा चार बराबर कितना दिया? 51.50। तो एक बराबर कितना हुआ? एक बराबर कितना? 51.5/4, इसलिए 10। अंतर कितना है? 10 का। 51.5/4 गुने 10 ये पॉइंट गया। 4×4 4×8 3 428। इस मेथड से आंसर नहीं आया, आइए दूसरा मेथड बताते जिसमें आंसर आ जाना चाहिए। तो टोटल क्रय मूल्य 390 है, 390 है टोटल क्रय मूल्य। तो पहला वस्तु का दाम x मान लिया, दूसरा वस्तु का अपने आप 390 माइनस। तो बोलता है पहली वस्तु को कितना में बेचा जी? कितना बेचा? 10% लाभ पर। तो x का 110% हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा 390 माइनस x का कितना परसेंट हानि लाभ? 115% बराबर हो गया आपका 390 का टोटल घड़ी और प्लस लाभ कितना? 51.5 टोटल विक्रय मूल्य बराबर टोटल विक्रय मूल्य हो गया। सॉल्व करने आता है कि ना है? आता है कि नहीं? चलिए 11x/10 है 23 सुनवानी नेक्स्ट पॉइंट कर पॉइंट में कितना आएगा? कितना? 441.5 ये पॉइंट गया 10, ये को गया कहाँ जाएगा? ये हो गया 11.5 ले लेने से। चलो 11.5 तो कितना कुछ कटेगा? ये कटेगा 11 से कटेगा। यहाँ पे 5×10 23 दो से कर दो 22x हुआ। यहाँ पे 300 ये दो से कटाई देते हैं जी, ये कितना हो जाएगा? 2×2 2×9=18 195×23 195×23 -23x है 23x/2 हाँ यहाँ पे 23x/2 और बराबर कितना? 4115 कितना? 4115 44 15। चलिए भैया ये गुना कर दिए, 23 का आधा पड़ा तो ये जाएगा 22×2 बोलिए 44 में 23 गया। अरे भैया इसको गुना किए थे फिर भी ये रहा ना अभी ना, ठीक है। तो पूरा कहाँ कुछ बोला कोई सच में हम लोगों ये बोला है हमारा भी दिमाग अपना काम नहीं करता कभी, ठीक है। ये पूरा करिए दिए थे जी, तब यहाँ पर गड़बड़ा गया था। तो 23x/2 390 ही रहेगा।
दूना दून होगा सर। अरे दो से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है पूरे पे ले लिए। क्या तुम लोग भी हमारा हमारा भी हैंग करवा देते हो। तो चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं, हम लोग का इस तरह चलता है, थोड़ा वीडियो मैनेज कीजिए। तो आइए, आप कुछ गड़बड़ हुआ क्या? दो से गुना कर दो और तेईस से गुना कर दो, माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस उधर ले जाओ सब सही है, चौवालीस सौ अट्ठासी सौ तीस और माइनस तेईस शून्य तेईस नमा सौ सत्रह न दो सौ सात कहता हूँ, और तेईस दिया उनहत्तर और बीस नवासी, ठीक है कितना हो गया जी x बराबर कितना हो गया जीरो सात में तीन चार, और ये कितना बचा नौ में गया एक सौ चालीस, तो री भाला एक सौ चालीस एक सौ x का मान आया, तीन सौ नब्बे में x चला जाएगा कितना हो जाएगा दो सौ पचास में एक सौ चालीस कितना बचा एक सौ दस, लमहर में कैसे नहीं आएगा जी, आना ही है इसको। और दो तीन क्वेश्चन उसके बाद तो खेल खाता हूं। ये क्वेश्चन कितना छोटा दिया जी, यदि विक्रम दुगना जाता तो लाभ तिगुना हो जाता है। एक सौ इकतालीस खत्म, एक सौ बयालीस शुरू करते हैं भैया। चलो बनाओ, थक गए क्या तुम लोग जी, लग रहा है तुम लोग का थकावट दिख रहा है। एक सौ बयालीस यदि विक्रय मूल्य दुगुना हो जाता है, एसपी जो है दुगुना हो जाता है, एसपी एक्स एसपी टू एक्स टू एक्स, लाभ जो है तिगुना हो जाता है, यानी प्रॉफिट जो है पी वन हमारा एक्स वाई था तो प्रॉफिट हो गया तिगुना थ्री वाई। तो हम लोग जानते हैं सीपी बराबर पता होगा एसपी माइनस प्रॉफिट, तो हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई ईबीसीपी है, उधर से टू एक्स माइनस थ्री वाई ईबीसीपी है, सीपी बराबर सीपी। तो हमारा इससे क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया टू वाई, यानी एक्स बराबर हो गया टू वाई, तो एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेते सब सही हो जाएगा, एक्स वाई हो गया दो एक, यानी अगर एस पी है हमारा दो और प्रॉफिट है हमारा एक तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा एक, सीपी एक प्रॉफिट एक लाभ परसेंट सौ परसेंट। देखे भैया बोले दिमाग में कभी कभी मेरा हैंग भी करता है तो काम भी करता है भैया, ठीक है काम पैतालीस में अभी तुरंत छुई हुई खत्म। एक सौ चौवालीस नंबर में कह रहा है आठ किताब नहीं एक वस्तु का क्रम सीपी जो है एसपी का कितना परसेंट है, चालीस परसेंट है, एक सौ तैतालीस नंबर सॉरी एक सौ तैतालीस नंबर है। तो बोलता है ए तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, चालीस बटे एक सौ हटा दीजिए ना दूधना चार। अब क्या क्वेश्चन बोला देखिए, विक्रमूल कितना पांच, क्रेमूल का कितना परसेंट है, एक्स परसेंट है भैया बटा दो कितना बार में पचास अढ़ाई सौ, अरे कहाँ जाएगा बच करके भैया, बोले ना यू चुटकी में बन जाएगा। और एक सौ चौवालीस नंबर तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक सौ चौवालीस आठ को खरीदा है बाबू वस्तु और प्रत्येक का रेंज रखा है दो सौ से दो सौ पचास के बीच में, तो मिनिमम जो अगर हम सीपी 200 से 250 के बीच में मिनिमम में काम दाम में खरीदेंगे तो मिनिमम दाम मेरा कितना होगा 200 ही होगा मिनिमम दाम, और बोलता अधिक से अधिक लाभ कमाना है तो मैक्सिमम दाम पे बेचेंगे, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा टोटल 425, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 225 टका का, आठ वस्तु है कितना होगा 1800, देखिए तो मिनिमम में खरीदेंगे मैक्सिमम बेचेंगे तो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा है कि नहीं, और मिनिमम अगर कमाना होता तो ज्यादा पे खरीदते लास्ट वाला 250 में खरीदते और 300-400 में बेचते मिनिमम दाम पे। आओ दो तीन क्वेश्चन, दो को क्वेश्चन मात्र बचाया खत्म कर दिया, क्या क्या देखते हो तुम लोग, लो 145 नंबर में खत्म कर दिया, बता 20% लाभ, देखो 20% लाभ का मतलब 20 और ऑटोमेटिक एसपी कितना हो जाएगा 120 और गुना 100 16 पूर्णांक 3%,
कैसे की पता चला? अरे 20% लाभ का मतलब 120 हो गया, विक्रय मूल्य पर पूछ रहा लाभ कितना होगा, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं तुम लोग उसी तरह बना लेना, तुम्हारा क्या 146 में तुम लोग बनाने के घर से आना, ठीक है। SW राज 146 नंबर। उम्मीद करता है आज का वीडियो पसंद आया होगा और गर्दा उड़ा दीजिए। थैंक यू।